हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो यहाँ शुरू करते हैं मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट पे आप बैंक निफ्टी को देख रहे हो, लगभग 5.5% हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 1900 पॉइंट के लॉस के साथ। लास्ट महीने में हमने लगभग 230 पॉइंट का लॉस देखा था और फ्लैट नेगेटिव, लगभग 1% हम डाउन बंद हो चुके थे। यहाँ जो है तो मंथली चार्ट पे आप देख रहे हो, देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी 20 मंथ का जो एवरेज है उसके नीचे स्लिप कर चुका है। और यहाँ जो है तो हम अभी 50 वीक का जो एवरेज है उसके तरफ बढ़ेंगे, जो है 30,000 के अराउंड। उसके नीचे लास्ट सपोर्ट रहेगा 24,000 का, जो रहेगा 100 मंथ का एवरेज। लास्ट टाइम भी हमने उसको कोरोना काल में टेस्ट किया था, वहाँ सपोर्ट लेने के बाद वहाँ से रैली आई थी। अगर हम 24,000 के नीचे ट्रेड करते हैं तो मुझे लगता है कि हम एक लॉन्गर टर्म करेक्शन में जा सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म बियर मार्केट में भी जा सकता है मार्केट। यहाँ जो है तो 30,000 तक मार्केट में हो पे अगर उसके नीचे जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम जो है तो एक लॉन्गर टर्म बियर मार्केट में जा सकता है मार्केट, जो कम से यहाँ जो है तो आपको इंडेक्स इतना गिरते हुए नहीं दिखेगा। 24,000 के नीचे शायद वो 17-18,000 या फिर 20,000 तक जाए, मगर वो टाइम वाइज करेक्शन लेगा, मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा और थोड़ा थोड़ा नीचे गिरते रहेगा और एक लॉन्ग टर्म में बॉटम बनाएगा। और उसमें जो है तो बहुत सारे स्टॉक में आपको पेंस देखने को मिलेंगे, वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्टॉक जो है 40%, 50%, 60% ऑलरेडी डाउन है। तो वो ऑलरेडी बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर हैं वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यहाँ बैंक निफ्टी जो है तो मंथली चार्ट पे वीक दिखाई दे रहा है इस महीने के लिए, और हो सकता है कि हम जो है तो 30,000 के भी लेवल आने वाले हफ्तों में देख सकते हैं अगर फॉल कंटिन्यू होता है तो। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने लगभग 1000 पॉइंट की रैली दी थी, लगभग 34,300 पे हम क्लोज हो चुके हैं। अभी यहाँ वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है तो 100 वीक का जो एवरेज है उसके अराउंड सपोर्ट लिया है और हम अभी बाउंस बैक कर रहे हैं लगभग 50 और 20 वीक का जो एवरेज है उसकी तरफ, जो लेवल है लगभग 35,700 के अराउंड। तो यहाँ जो है तो 35,700 तक एक बाउंस बैक आ सकता है जिस तरह से ये कैंडल बनी। मुझे लगता है कि अगला हफ्ता भी बैंक निफ्टी में ऊपर के साइड के ही लेवल देखने को मिलेंगे। अगर आपको शॉर्ट जाना है तो बैंक निफ्टी में लेवल से शॉर्ट जाने के लिए लगभग 36,000 के अराउंड आपको शॉर्ट जाना है। 35,700 से लेकर 36,200 ये जो जोन है, इस जोन में आप शॉर्ट जा सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 36,200 के ऊपर होना चाहिए और मुझे लगता है कि फिर से हम जो है तो नीचे के लेवल 30,000 के लेवल की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकते हैं इन मीडियम टू लॉन्गर टर्म। तो यहाँ मेरा मोस्टली सेल ऑन राइज व्यू रहेगा बैंक निफ्टी पे और यहाँ आपको परफेक्ट शॉर्ट मिलेगा 36,200 के अराउंड। तो उन लेवल का वॉच करना है, यहाँ से बाउंस बैक आपको 36,200 तक मिल सकता है। तो यहाँ दिक्कत ये है कि ये ट्रेंड के अगेंस्ट का ट्रेड होगा, तो ये ट्रेड जो लेना है हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे ये ट्रेड, मगर इंट्राडे बेसिस पे उसको कैरी नहीं कर सकते, जो क्योंकि यहाँ जो है तो मार्केट कभी भी जो उसका प्राइमरी डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर करेक्टिव ट्रेंड चल रहा है उसको कभी भी वो जो है तो कंटिन्यू कर सकता है। इसकी वजह से जो है तो लॉन्ग बहुत ही भारी पड़ सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है इंट्राडे में लीजिए और उसको इंट्राडे में ही क्लोज कर लीजिए, फिर नए दिन जो है तो नए लॉन्ग पोजीशन की आप जो है तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। फिलहाल मुझे लगता है कि मार्केट जो है तो 35,700 के लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। 35,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, मुझे लगता है कि उसको पार कर पाना इतना आसान नहीं होगा बैंक निफ्टी के लिए। तो उसके अराउंड हम जो है तो शॉर्ट के मौके ढूंढेंगे और फिर से हमारा जो टारगेट रहेगा 33,300 का, तो उसके नीचे अगर जाता है तो 30,000 का भी टारगेट आपको बैंक निफ्टी में इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म देखने को मिल सकता है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो हमने जो है तो 200 डेज का एवरेज तोड़ने के बाद एक अच्छी ब्रेकडाउन रैली दी थी, हमने लगभग 33,000 का बॉटम लगाया और ये जो बॉटम है यहाँ बहुत सारा सपोर्ट आ रहा है। आप ये जो सपोर्ट है ये पीछे भी जाकर देख सकते हो कि इस लेवल पे जो है तो ये पिछला टॉप था यहाँ R1 का,
तो वो जो है तो एज अ सपोर्ट काम कर रहे हैं, मगर ये जो है तो मुझे नहीं लगता कि ये टिकेगा। आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में हमें ये लेवल भी ब्रेक डाउन होती हुई दिखेगी और हम जो है तो बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल देख सकते हैं। यहाँ जो है तो अभी ओवर सोल्ड लग रहा है मार्केट, तो यहाँ आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, जिसका टारगेट रहेगा 34,900 और उसके बाद में जो है तो 34,900 का पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद में 35,800 या फिर 900 का टारगेट पकड़ के चलिए। तो एक करंट लेवल से आप देखोगे तो 34,900 जो आता है तो 600 पॉइंट दूर है, और उसके ऊपर जाते हैं तो हमें वहाँ से भी 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि करंट लेवल पे मुझे लगता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है और एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में बिल्डअप हो सकती है जो 35,900 की तरफ लेकर जा सकती है। उन लेवल पे बैंक निफ्टी मिलता है तो आपको बिल्कुल शॉर्ट जाना चाहिए, और यहाँ जो है तो आपको फिर से नए लो शायद देखने को मिल जाएंगे इन मंथ ऑफ जून और जुलाई। तो यहाँ आपको जो है तो थोड़ा सा लंबा व्यू लेना है। करंटली यहाँ शॉर्ट कवरिंग चालू है तो लॉन्ग व्यू रहेगा, लॉन्ग पोजीशन लेंगे वो भी इंट्राडे बेसिस पे, कैरी नहीं करेंगे हम कोई भी लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि यहाँ जो है तो मार्केट कहीं भी खुल सकता है और मोस्टली प्रोबेबली नीचे के लेवल पे ही खुलेगा, क्योंकि यहाँ जो है तो आपको हर एक लेवल पे सप्लाई आते हुए देखेगा, और जो फंसे हुए इन्वेस्टर है वो भी बेचने आएंगे, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिन्हें ऑलरेडी प्रॉफिटेबल मुनाफा है उनके पोर्टफोलियो में, वो भी जो है तो वो फिर से आपको यहाँ ऊपर के लेवल पे माल बेचते हुए देखेंगे। तो यहाँ मेरा मोस्ट प्रोबेबली सेल ऑन राइज व्यू रहेगा, मगर हम सेल करेंगे रेजिस्टेंस के अराउंड। अगर 35,900 के अराउंड बैंक निफ्टी आता है तो आपको इन द मनी पुट लेकर चलना है। आप ये जो पुट है या फिर एट द मनी जो है तो फार मंथ या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी का जो मंथली एक्सपायरी उसका लेकर चल सकते हो। आपको यहाँ जो है तो अच्छे खासे गेंस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस जो है तो उस पोजीशन में आपको स्टॉप लॉस एक 300 से 400 पॉइंट का रखना है, अराउंड 35,900 के लेवल के करीब जब बैंक निफ्टी आएगा उस लेवल पे आपको पुट ऑप्शन लेकर चलने हैं एट द मनी या फिर इन द मनी, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 400 पॉइंट का रहेगा। आप फ्यूचर में भी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो और उसके में भी आपको एक 300 से 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। आपके जो टारगेट बनेंगे फिर से 33,000 और उसके बाद में जो है तो 30,000 के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। शॉर्ट टू मीडियम टर्म फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। शॉर्ट टू मीडियम टर्म मतलब ये टारगेट आने के लिए कई दिनों से लेकर कई हफ्ते लग सकते हैं, तो उस तरह से आपको एक स्विंग ट्रेड बनानी होती है। और स्टॉप लॉस जो है तो इस मार्केट में स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि ये वोलाटाइल मार्केट है, बहुत ही चॉपी और वोलाटाइल रहेगा, कई बार चॉपी रहेगा कई बार वोलाटाइल रहेगा, और यहाँ जो है तो दोनों तरफ जो है तो आपको अच्छे खासे हिट देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडर यहाँ जो है तो इस मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी जो है तो लूज करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है तो लॉन्ग वाले भी मरेंगे और शॉर्ट वाले भी मरेंगे। अभी यहाँ जो शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी इसमें जो है तो जिन्होंने शॉर्ट किया था वो भी मरेगा, और यहाँ जो है तो आपको सरप्राइज गैप डाउन गैप अप देखने को मिलेंगे, उसमें जो है तो बहुत सारे ट्रेडर के स्टॉप लॉस जो है स्टॉप लॉस के ऊपर मार्केट खुलने लगेगा, और उसकी वजह से आपको जो है तो बहुत ही दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, अगर आपके पास उतना रिस्क प्रोफाइल नहीं है तो साइडवेज रहिए, मज़ा लीजिए मार्केट को, वेट एंड वॉच कीजिए। एक ये जो फिनोमेना है ये लगभग अभी थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये एक यूनिक फिनोमेना है। आपको जो है तो यहाँ लॉन्ग टर्म करेक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ जो है तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। आपको जो है तो स्टॉक में 60, 70, 80, 90% आपको डाउन देखने को मिलेंगे, वो भी अच्छे खासे स्टॉक्स FNO के स्टॉक। और यहाँ जो है तो बहुत सारे अभी यहाँ जो है तो कंपनी भी बस्ट होती है या फिर डिफॉल्ट होती हुई दिखेगी, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो रहेगा मार्केट का वो जो है तो उनका डेप जो है तो उसमें बहुत बढ़ोतरी आएगी, और वो अपना डेप जो है तो सर्विस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ से इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ने शुरू हो गए तो ये सारी कंपनियों में बहुत सारे प्रॉब्लम और दिक्कतें शुरू हो जाएंगे, वो आपको उनके रिजल्ट और उनके जो न्यूज़ फ्लो आते हैं उसमें भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ मोस्टली सेल ऑन राइज व्यू रखिए, रेजिस्टेंस के अराउंड हम सेलिंग करेंगे विद अ स्ट्रिक स्टॉप लॉस। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए,
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे साथ शोर शॉर्ट कॉल चाहिए मेरे, तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।